पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, चैप्टर नंबर 8। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में मैंने देखा है ब्लॉक्स अलग से सेपरेट उन लोगों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ये हाईलाइट किया हुआ लाइनिंग दिया हुआ है वही बहुत अच्छा, और वो अगर वो लोग लर्न करते हैं तो पूरा एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करेंगे। इवन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लोग कर पाएंगे जो इन फ्यूचर उन लोगों का, जैसे देखिए ये मैंने लाइनिंग किया हुआ है द इंटरनेट और सिंपली द नेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क अराउंड द ग्लोब। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट के बारे में हम लोग को इन शॉर्ट हर चीज़ एक्सप्लेन करके रखा है। इंटरनेट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज, देखिए यहाँ पे 4 सर्विसेज दिया हुआ है। तो क्लास 6 हो तो यू नो यू हैव टू लर्न और रीड। आप इसमें से 3 ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ये 3 ऑप्शंस जो क्या हैं वो थोड़े छोटे हैं और तुमको पता भी है, तो ये बहुत क्या बोलेंगे, बहुत इजी पड़ेगा। यू नो एरियाज़ ऑफ सोसाइटी अटैच्ड बाय इंटरनेट, बैंकिंग, एडुकेशन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चैटिंग, ग्रीटिंग, ई ग्रीटिंग कार्ड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आते हैं हम लोग द वर्ल्ड वाइड में। द वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ है। द www इज़ अ वे ऑफ एसेंसिंग इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द इंटरनेट। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। ईच पेजेस कंटेंट ऑडियो वीडियो इमेजेस। तो ये आपको वेब पेज, व्हाट इज़ वेब पेजेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो, डेफिनेशन में आता है, और यहाँ पे उसके फंक्शंस भी दिए हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली हो गया आपको वेब पेजेस के बारे में। उसके बाद है वेब ब्राउज़र, वेबसाइट। यहाँ वेब ब्राउज़र का दिया हुआ है, देखो साइलेंट प्रोग्राम इज एज अ नेविगेट्स थ्रू द इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एंड डिस्प्ले ऑफ वेब पेजेस। इसलिए मैंने इसको टिक किया बिकॉज ये सारे आप लोग सभी को क्लास 6 के आइए तो क्लास 8 तक के स्टूडेंट को यू नो लर्न करना चाहिए और आना चाहिए। फिर यहाँ देखो वेबसाइट इज़ ए लोकेशन ऑफ कनेक्ट टू इंटरनेट द मेंटेनेंस वन और मोर वेब पेजेस इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ वेबसाइट के नाम दिए हुए हैं, आपको ऐसे पता है सम पॉपुलर वेबसाइट, यू हैव टू लर्न इट। www.google.com ये सभी बच्चों को पता है, ये 1, 2, 3, 4 से यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन हम लोग जानते हैं, सर्च इंजन के बारे में यहाँ देखा था। सर्च इंजन प्रोग्राम दैट आर यूज टू सर्च वेबसाइट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम लोग सभी जानते हैं कुछ भी सर्च करना होता है तो क्या जाते हैं, गूगल जाते हैं, यूट्यूब जाते हैं, कोई भी सर्च इंजन्स में जाते हैं और वो हमको पूरा आंसर देता है। तो ये पूरा आपको लर्न करना है। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड द होम पेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ देखो सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स गूगल, याहू, लेकॉस, एक्साइट, अल्टा विस्ता। तो आप ये सारे नाम जो जो मैं अलग से आपको लर्न बोल रही हूँ मीन्स लर्न करना है। यहाँ लिंक के बारे में हम लोग आते हैं, गूगल के बारे में देखे हैं लिंक और हाइपर लिंक, वेब एड्रेस, यूआरएल, ये जस्ट आपको बस रीड करना है। ये फॉर्मेट है वेब एड्रेस का, जो फॉर्मेट आपको रीड करना है, लर्न नहीं करना है। यहाँ देखिए कुछ वेबसाइट के दिए हुए हैं, ये चार्ट आपको नोटबुक में नोट करना है और इसको लर्न करना है। जैसे एक अलग लैंग्वेज होता है, हम लोग रोमन नंबर पढ़ते हैं और जैसे 1 लिखते हो कॉर्डिनल ऑर्डिनल नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, फिर रोमन नंबर पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से देखो ये लैंग्वेज है। डोमेन नेम, एफिलेशन, पर्पस, तो यहाँ पे COM कमर्शियल, यूज़ बाय कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग एंड फर्म्स, एडू, EDU एडुकेशन, यूज्ड बाय एडुकेशनल इंस्ट्रक्शन। तो ये है क्या है आपको पता होना चाहिए यू नो, और ये चीज़ आप कंप्यूटर में करते करते जब हैबिटेट हो जाओगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो नोटबुक में भी ये करना है और आपको ये शॉर्ट नेम और ये डेफिनेटली लर्न रहना चाहिए, तभी आप इस वर्क को कंप्लीट कर पाओगे। ईमेल का यहाँ देखो दिया हुआ है, ईमेल इज़ यूज टू सेंड रिटन मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऑफन ज्योग्राफिकली सेपरेटेड और लार्ज डिस्टेंस, यू हैव टू लर्न इट। फिर एडवांटेज ऑफ ईमेल यहाँ 5 दिए हुए हैं। ये 5 ही पॉइंट जो हैं, 5 में से आपको मिनिमम 4 पढ़ लो, तो ये वाला बहुत ईजी है, मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू दिस बुक। आप 3 को स्किप कर सकते हो, थोड़ा बड़ा है वो। ईमेल एड्रेसेस हैं, ये है ये सारे ईमेल एड्रेस, ये आपको जब आपको लगेंगे तो आप लर्न करो, मीन्स क्या आप कहीं पर भी इसको पर्टिकुलरली
सेव रखो, जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप उस समय इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो। स्पैम कंट्रोल में है, हमको स्पैम के बारे में बस इतना पढ़ना। स्पैम इज़ अ इवेंटल मैसेज सेंट ओवर द इंटरनेट टिपिकली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र, द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग पब्लिशिंग एंड स्प्रेडिंग वायरस एक्सेट्रा। अदरवाइज इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज बाइट्स में जो यहाँ दिए हुए हैं ये जस्ट आपको रीड करना है। सोशल नेटवर्किंग के बारे में दिया हुआ है, सोशल नेटवर्किंग में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स को आपको रीड करना है। और ये सारे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये तीन जो होते हैं ये मेन होते हैं, तो इन तीनों के बारे में आपको पता है, आप जस्ट इसको पढ़ लेना अच्छे से। समरी हम लोग सभी जानते हैं, चैप्टर की समरी जो होती है उसमें उस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमको डेफिनेटली लर्न बाई हार्ट करने चाहिए, ताकि उस लेसन में हमसे जो छूट गया है कुछ भी ऐसा, तो वो आपको, क्योंकि समरी से सीनियर क्लासेस में टीचर लोग फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर जो है वो प्रिपेयर करती हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। टिक द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। इंटरनेट एक्सप्लोर, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल, क्रोम आर एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजिन्स। None of these are some rules of behavior that should be followed by every internet user. Google, Yahoo, Alta Vista are examples of search engines. Sending sub messages to other people through a network is called email. Now fill in the blanks. Irrelevant messages sent over the internet are called spam. You can buy things and place your order through internet. This is called e-shopping. Each web pages contains audio, video, images, text, etc. Number 4. A search engine is a program that used to find information on the internet. Number 5. Last. A hyperlink is a highlighted word picture in a document or web pages. Now true or false. Internet is the biggest network of small network. True. Worldwide web is the biggest and most important part of internet. True. Email can be sent only within your country. False. Google Chrome is an example of search engine. True. You can create free online email account on some web portal such as www.yahoo.com. It's true. आप लोग सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज आपको फ्रेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस लॉकडाउन में सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, डेफिनेटली ऑनलाइन से हर गार्जियन या हर स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, उसको क्या है डिफरेंट वे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे भी वीडियो से आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी गुजारिश से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।